हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत पांडे आया हूँ भैया। मैं देखिए, मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। ये जो वीडियो है आपकी, ये LP की है, लोको पायलट की मेंस की है, जिसमें आपको टेक्निकल के सारे पार्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड है टाइमिंग के अनुसार आपको मिलेगी। ALP की 9 से 10 के बीच मिल जाएगी आपको, ट्यूबल ऑपरेटर 11 से 12 बीच मिल जाएगी, मैथ की मिल जाएगी आपको, अब GK की मिलेगी, ठीक है, और करंट अफेयर की मिलेगी, और हिंदी की सबकी मिलेगी आपको, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करके और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि सब्सक्राइब अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हर एक प्राप्त होने वाली जो नोटिफिकेशन होती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो देखिए, आपको जो मैं तैयारी कर रहा हूँ LPO मेन ग्रुप डी करा रहा हूँ, और ग्रुप डी का समय क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। और इस समय ट्यूबवेल ऑपरेटर, RPF, वीडियो, SSC GD और पुलिस की बिल्कुल चल रहे हैं क्वेश्चन, और आपको वही क्वेश्चन पढ़ाया जो 100% एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ हल्का, मशीनिंग क्लासेस तो अभी किसी ने चालू नहीं कर पाया है, और मशीनिंग क्लासेस में जो आपके लिए लाया हूँ पूरा इसमें फुल नॉलेज है आपका टेक्निकल पार्ट का, जो अभी तक कोई नहीं दे पाता है, बस आर्टिफिशियल चैनल बनाया है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोग के जो ये टेक्निकल जो आपके लिए मैं टेक्निकली ये टेक्निकल क्वेश्चन लाता हूँ, क्योंकि मशीनिस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है ITI का जो सारे सब्जेक्ट को कवर करता है, तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट बनाऊँगा, क्योंकि मैं खुद ही ITI और डिप्लोमा से हूँ, इसलिए। ओके, चलिए हम लोग, ठीक है, आते हैं हम लोग सीधे अपनी काम पे आते हैं, वीडियो पे आते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम लोग क्वेश्चन पे अभी आएंगे सीधे। देखिए, हमारी जो ये जो पार्ट हमारा कौन सा है, अभी ALP का पार्ट 11 है, ठीक है। क्रैश कोर्स बिल्कुल चौकस चल रहा है, ये समझ लीजिए मेंस का है पेपर, तो बहुत बढ़िया है, रिजल्ट जल्दी हाल ही में आने वाला ही है आपको, ये समझ लीजिए, और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग सीधा आते हैं पार्ट 11 में। हमारा जो पार्ट 11 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में अपने आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ताप में वृद्धि के साथ कांपर का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। जो हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया है कि ताप में जब वृद्धि के साथ कांपर का प्रतिरोध क्या बढ़ता है, तो कांपर का प्रतिरोध भाई ताप में जब टेम्परेचर वृद्धि होगी तो कांपर हमारा क्या होता है, नरम होता है, तो कांपर के साथ क्या हो जाएगा, उसका वो भी उसका जो प्रतिरोध होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिरोध कांपर के साथ बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। अगर कोई चालक कंडक्टर है, ठीक है, अगर कोई हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर का अगर उसमें लंबाई में वृद्धि करेंगे, मान लीजिए इतना था वो इतना हो गया, तो उसका जो हमारा जो प्रतिरोध का मान होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि मल्टीमीटर क्या ले सकता है। मल्टीमीटर देखिए क्या क्या माप सकता है। मल्टीमीटर हमारा पहली बार धारा भी माप सकता है, दूसरी बार रेजिस्टेंस प्रतिरोध माप सकता है, और तीसरा वोल्टेज। तो मल्टीमीटर धारा और रेजिस्टेंस और वोल्टेज भी माप सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। प्रतिरोध की यूनिट आपको पता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, हमारी ओम होती है, क्या होती है, ओम होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तीन प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, तो आपको पता होगा रेड, ब्लू एंड ग्रीन, ये तीन है, RBG, ठीक है, तो आपके तीन है प्राथमिक रंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पोटेंसीमीटर का निर्भर करता है। पोटेंसीमीटर जो होता है वो जो कोई तार का इसमें लंबाई बढ़ गया तो उसकी लंबाई पर, तार की लंबाई पर निर्भर करता है पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, रिमोट कंट्रोल यूनिट टीवी सेट को चलाने के लिए नीचे दी गई किस प्रकार किसका उपयोग करता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए जो हम लोग TV यूज़ करते हैं उसमें रिमोट कंट्रोल होता है, ठीक है, उसको चलाने के लिए कौन सी युक्ति यूज़ होती है, क्योंकि जब हम लोग ऐसे तो चल नहीं जाएंगे, जब दबाते बटन तो तुरंत चल जाती है, तो क्या होता है वो माइक्रो तरंग, कौन सी तरंग होती है उसमें, उसमें होती है माइक्रो तरंग। और आपको पता होना चाहिए कि एक माइक्रॉन में कितने एमएम होते हैं, एक माइक्रॉन में कितने एमएम होते हैं, एक माइक्रॉन 10^-3 एमएम होते हैं, 0.001 एमएम होते हैं। ऐसे पूछ सकता है कि एक माइक्रॉन में कितने मीटर होते हैं, 10^-6 मीटर होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत, ठीक है, यूरिया को खाद की तरह प्रयोग, क्यों, यूरिया जैसे हम लोग खेती में लोग क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं जब खेती करते हैं, तो क्यों खाद के रूप में करते हैं, इसका स्रोत क्या है, क्योंकि उसमें क्या होता है, मेन बात है ये, इसमें नाइट्रोजन का होता है, मेन बात क्या होता है उसमें नाइट्रोजन स्रोत होता है, नाइट्रोजन कारण पेपर में आ जाता है कि खेतों में कौन सा हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारा कौन यूज सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य लाउड स्पीकर की प्रतिरोध रेटिंग क्या होती है। देखिए, जो लाउड स्पीकर होता है उसकी लाउड स्पीकर समझते हैं ना, जो अलग अलग बड़े बड़े भूपू टाइप के लगे होते हैं, उनमें जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, उसमें होता है 8 ओम रेजिस्टेंस होता है, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलोरी किसकी यूनिट है, आपको पता ही है ऊष्मा की जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या है, कैलोरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं,
नीचे दिखे में कौन सा पदार्थ बहुत कठोर व तन्य है? देखिए नाइक्रोम, कौन सा है? नाइक्रोम हमारा जो होता है ये बहुत ज़्यादा टफ होता है एंड बहुत ज़्यादा तन्य, मतलब देखिए तन्य मतलब होता है तना हुआ, तार के रूप में जो तना हुआ होता है वो नाइक्रोम होता है और बहुत ज़्यादा कठोर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, शुष्क सेल कौन सा है? प्राथमिक सेल हमारा शुष्क सेल होता है, याद रखिएगा। और जो हमारा, एक बात याद रखिएगा, प्राथमिक सेल हमारा शुष्क सेल होता है और जो द्वितीयक सेल होता है वो हमारा होता है डैनियल सेल होता है। कौन सा होता है? डैनियल सेल। आ गया आपके एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया। अगला, एक फेज मोटर का घूमने वाला भाग क्या है? घूमने लिखा है, घूमने वाला भाग, मिस प्रिंट हो गया टाइपिंग में, ठीक है। तो एक फेज मोटर का घूमने वाला भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? स्टार्टिंग बाइंडिंग। क्या कहलाता है हमारा? स्टार्टिंग बाइंडिंग कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर व्हाट्सअप ग्रुप में है तो उनको भेजिए, मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला के देते रहूँगा, क्योंकि ALP मेंस का पेपर अभी थोड़ा दूर है तो मैं आपको उसी के हिसाब से अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ। ये मान लीजिए आपके कंप्लीट जो होंगे वो हो जाएंगे 3000 क्वेश्चन कायदे से हो जाएंगे कुछ दिनों में ही कम्प्लीट, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा पदार्थ स्थायी चुंबक बनाते करते हैं? वो हम लोग करते हैं स्टील, ठीक है। स्टील हम लोग जो करते हैं वो स्थायी चुंबक बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रडार का कार्य किससे प्रभावित रहता है? रडार का जो कार्य होता है वो हमारा अंधकार किससे प्रभाव, मतलब बेकार हो जाता है, रडार काम नहीं करता है वहाँ पर, अंधेरे में काम नहीं करता है सही से, और कोहरा, कोहरे में और वर्षा में, ठीक है, रेन में। तो हम लोग का जो रडार होता है कार्य किससे प्रभावित रहता है? अंधकार, कोहरा और वर्षा में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, जो आज आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, आप लोग देखिए क्वेश्चन देख लिए, आप लोग किसी ने भी कमेंट क्वेश्चन देखने के बावजूद भी आप लोग इतने व्यू देख लेते हैं, व्यू मेरे देखने देखे आते हैं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, कमेंट नहीं दे रहे, जबकि मैं इतना सरल क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आपको तो देना चाहिए, तो मैं उसका आंसर बताऊँ? उसमें बेइज्जती वाला सवाल थोड़ा ना है, आप लोग तो उसका आंसर भी नहीं बताते हो, ये सही नहीं है ना ये चीज़, आप लोग बताना चाहिए। भविष्य का ईंधन क्या कहलाता है? अभी चार ऑप्शन आपको दिए हैं, चार ऑप्शन देखिए, अगर जो जिसको आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे कमेंट करके उसका आंसर भेजिए, और नहीं आते तब भी भेजिए, मैं आपको उसका आंसर सही बताऊंगा। ओके चलिए, ठीक है, थैंक यू।